अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी खबर लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज जो के अहम इजलास होने जा रहा है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, उस हवाले से अभी कुछ डिटेल आ रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ज़राए बता रहे हैं, अगर कोई अनहोनी ना हुई तो इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि सरकारी मुलाजमीन के आज के होने वाले इजलास में दो चीज़ों के हवाले से अभी तक इल्म हुआ है कि ये दो चीज़ें सरकारी मुलाजमीन के हवाले से इसमें ऐलान कर दिया जाएगा। तो वो दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई अनहोनी ना हुई तो। अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट के हवाले से आपको बताता चलूं कि एक पॉइंट तो ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए, और दूसरा पॉइंट जो है वो वफाकी सरकारी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के हवाले से अभी तक खबरें यही आ रही हैं कि इन दो चीज़ों का ऐलान आज के इजलास के बाद कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको देता चलूँ कि दो खबरें आ रही हैं, दो पॉइंट के हवाले से अभी तक मालूमात मिल रही हैं, और ज़रा ये बता रहे हैं अगर कोई मिस अनहोनी ना हुई तो ये दो चीजें जो है आज के इजलास के बाद जो है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। आज के इजलास में एक वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन और दूसरी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा। ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होगा, यानी फेडरल गवर्नमेंट, इसी तरह केपीके और पंजाब की गवर्नमेंट के हवाले से। तो बताता चलूं कि ये तो कंफर्म है तकरीबन कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो भी ऐलान होगा तो इस पर तो वो लाजमी तौर पर लागू होगा। ज़रा यही बता रहे हैं कि जब ये इजलास ख़त्म होगा या इजलास के दौरान ही इनका जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा सरकारी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के हवाले से वफाकी गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन है, और दूसरा ऐलान वो होगा जो कि तमाम सरकारी मुलाजमीन जिससे खुश होंगे, वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से ऐलान किया जाएगा। जैसे ही कोई ऐलान होता है वो भी आपको साथ शेयर करूंगा, लेकिन अब तक ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक दो चीज़ों का ऐलान जो है इस मीटिंग के बाद कर दिया जाएगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। नई अपडेट के साथ के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, जैसे वो कोई अपडेट आती है, कोई मुसद्दका इतला आती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।